मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था सन 2014 का सेट नंबर 5, उसमें से प्रश्न नंबर 2 के घ तक हो गया था। घ नंबर में आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है अधिशोषण समता विभक्त क्या है। फ्रेडरिक अधिशोषण समता विभक्त का वर्णन कीजिए। ये आपके किस लेसन से लिया गया है? ये लिया गया है पृष्ठ रसायन से। किससे लिया गया है? पृष्ठ रसायन से। लेकिन ये बेटा आपके सिलेबस से हटा लिया गया है, इस वजह से ये प्रश्न आपको नहीं करना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 3 का था, क्या कह रहा है? कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मूलतः से क्या संबंध है। कोशिश ये किया करो कि प्रश्न से ही हम उसका उत्तर बनाएं। क्या कह रहा है? क्वथनांक के उन्नयन। अब आप जब 9th-10th में पढ़ते थे तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण निर्भय सर जी ने बताया था। कह रहे थे कि बेटा नीचे से ऊपर की ओर देखो तो ये उन्नयन कोण है, और ऊपर से नीचे की ओर देखो तो अवनमन कोण है। यानी कह रहे हैं नीचे से ऊपर, ऊपर का मतलब ग्रोथ यानी वृद्धि करो। काहे में वृद्धि करो? क्वथनांक में। क्वथनांक क्या होता है? वह था जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक में क्या किया जाए? वृद्धि की जाए, तो यानी क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो आप बेटा क्या लिखोगे? आप लिखोगे विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से हुई क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। उन्नयन कहलाती है। फिर से बेटा एक बार सुनो, क्या कहा गया? विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से हुई क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका मूलतः से क्या संबंध है? क्या कह रहा है? इसका मूलतः से क्या संबंध है? आपको बेटा हमने एक दिन बताया था जब कह रहे थे कि बताओ बेटा आपका क्या नाम है, अगर आपका नाम डेल्टा टीबी हो तो हमने कहा था कैसे बताओगे, तो आपने क्या कहा था? कहा था सर जी डेल्टा टीबी बराबर क्या आई एम, मैं क्या हूं? आई एम के बी। क्या कहा था कि मैं क्या हूं? के बी हूं। डेल्टा टीबी बराबर आई एम के बी। यही आपका बेटा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन तथा मूलतः में संबंध है। अब यहां पे आई क्या है? आई आपका वन हाफ गुणा, और एम क्या है? एम आपकी है मूल अंतर। क्या बेटा? मूल अंतर। और के बी क्या है आपकी? के बी है मूलल अवनमन स्थिरांक। फिर से एक बार बेटा इसको समझ लो, क्या कहा गया कि कह रहा है क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मूल अंतर से क्या संबंध है। तो आपको बताया गया कि विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए तो क्या होता है? उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, और ये क्वथनांक में वृद्धि क्या कहलाती है? डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन। अब इसके बाद ये बताया गया डेल्टा टीबी बराबर है आई एम के बी, जहां आई क्या है? वांटा गुणांक, एम क्या है? मोललता है। के बी क्या है? मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक से देखो इसको, ऐसे लिखा जाएगा ना, बना दो इसको उन्नयन स्थिरांक। देखो बेटा इसका प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है रॉकेटों में द्रव हाइड्रोजन
आदर्श ईंधन के रूप में क्यों माना जाता है? आदर्श का मतलब क्या होता है? जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपको क्या बताया गया, चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, फिर एक बताया गया था कि आदर्श गैस समीकरण, फिर क्या कहा गया था कि आदर्श गैस कौन होती है, जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, यानी जो आदर्श व्यक्तियों के नियमों का पालन करे, है ना, यानी अच्छे का। तो इसमें क्या है कि अच्छा ईंधन के रूप में इसे क्यों माना जाता है? तो इसका तर्क बेटा देखो, पहला क्या कह रहा है, आप अच्छे से जानते हो कि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक एक, परमाणु भार भी एक, तो यानी क्या होता है, ये बहुत बहुत हल्का है, हल्का है, अर्थात द्रव्यमान बहुत कम है, बहुत कम है। दूसरा बेटा क्या है इसमें, दूसरा है कि अब आप जैसे घरेलू गैस है, कौन कौन सी गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, अब आप जब उसको जलाते हैं तो इस केवल आपको उसमें मिलती है, इसके अलावा जो उसमें बचता है वो सब उड़ जाता है, कुछ बचता है, बाकी कुछ नहीं मिलता ना आपको। तो यानी इसमें भी क्या है कि उसकी कहा जाए कि ईंधन दक्षता बहुत अधिक, क्या बेटा यहाँ पे ईंधन दक्षता अधिक है, यानी इसको जब जलाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होगी। नंबर तीन अगला क्या होता है, जो इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी हिंदी में आपको क्या बताया गया है, घनत्व, क्या है, घनत्व, तो इसका घनत्व तो क्या होता है, बहुत कम होता है, भाई कम है तो घनत्व तो और भी कम होता है, घनत्व तो क्या है, बहुत कम होता है। नोट कर लो बेटा इसको। हाँ देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर का क्या कह रहा है, अधिशोषक के सक्रियण से आप क्या समझते हो, कह रहा है या कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यह भी आपके प्रश्न रसायन से लिया गया है, और सक्रियण ऊर्जा और आर्हीनिया समीकरण ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर घा देखो, घा में क्या कह रहा है, कह रहा है उत्कृष्ट गैसों से आपका क्या तात्पर्य है, और कह रहा है दो गैसों के नाम लिखो, तो देखो बेटा ध्यान दो जरा, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, आपको ये बताया गया कि कौन से होते हैं, शून्य वर्ग के तत्व, किसके, शून्य वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। अच्छा इसमें विशेषता क्या होती है, पहली क्या कि ये इनका इनका बाह्यतम कक्ष, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, NH2 और NP6 क्या होता है बेटा, NH2 NP6। इसके बाद दूसरा इसका क्या तर्क है, दूसरा ये है कह रहा है NP6 पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है अर्थात लेने देने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, अर्थात करने का मतलब संयोजकता क्या होगी, संयोजकता 0 होगी, संयोजकता बेटा क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद अब आपको इसे याद करने की ट्रिक बताई थी, क्या कहा था हीना नीना और करीना और इन सबके एक्सरे कैसे हैं, रंगीन, क्या है, इन सबके एक्सरे सभी के रंगीन है, कौन कौन से हैं, हीना नीना और करीना, इन सबके एक्सरे कैसे हैं, रंगीन है, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जिनान और रिडान, बेटा इसे नोट कर लो फिर हम आगे बताएंगे।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का काम देखो क्या कह रहा है। कह रहा है अभी H2O का होल 6 ऊपर क्या है 3 पॉजिटिव, कह रहा है प्रबल अनचुंबकीय है, जबकि FeCN का होल 6 3 नेगेटिव दुर्बल अनचुंबकीय। कह रहा है समझाइए, हमने आपको सबसे पहले ये बताया था कि इन जटिल संकुलों में जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होगी वह प्रबल अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा बेटा? वह प्रबल अनुचुंबकीय होगा। अब देखो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम करते क्या है बेटा, इसके लिए जरा देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, संकुल आयन को लिखेंगे Fe H2O का होल 6 ऊपर क्या है 3 पॉजिटिव। अब क्या करते हैं बेटा, हम इससे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं इसकी। तो यस प्लस H2O आपको हमने बताया था यह एक उदासीन लिगेंड है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। कितनी होती है बेटा? 0 होती है। 0 गुणे 6 बराबर ऊपर क्या लगा है 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 3। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम ये केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। Fe कितना होता है 26। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना 6। अब देखो बेटा 2 2 4 6 10 12 18 20 26। अब देखो हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए Fe3+ के लिए। 3+ हमें ये इंडिकेट करता है कि इससे क्या किया जाए, 3 इलेक्ट्रॉनों को कम किया जाए। तो पहला बेटा क्या होगा, यहां से 2s वाला कट जाएगा और d ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3d वाला बचेगा, 5 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें ऑर्बिटल बनाते हैं। ये बना 3d, फिर इसके बाद 4s और इसके बाद 4p। ये 1 2 3 4 5, इसमें 1 और इसमें 3। अब बेटा क्या करेंगे हम, ये कौन सा है, ये है 4d। अब बेटा देखो 3d लिखा है, ये 3d ऑर्बिटल, इसमें कितने बने 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 1 1 5। अब इसके बाद सॉरी ऊपर 5। अब देखो जरा ध्यान दो, H2O क्या है, जब हमने आपको बताया था कि ये H2O एक प्रकार का दुर्बल लिगेंड है। क्या है बेटा, एक प्रकार का ये दुर्बल लिगेंड है और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाते। अच्छा ये 3d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों भरा गया, जोड़ा क्यों नहीं बनाए गए? तो इसके लिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो हुंड का नियम। हुंड ने क्या कहा था, कहा है झुंड में ना आओ, एक एक करके आओ नहीं मार थप्पड़न की तुम्हारा गाल लाल कर देंगे, ऐसा कहा था ना हुंड ने। आपको क्या करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरना है। युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि पिछली कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश न कर गया हो। तो बेटा हमने इनको भर लिया। अब हमने क्या कहा, इसमें जो H2O है या एक दुर्बल लिगेंड है, अतः ये इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा। इसके बाद भरने कितने H2O, 6। तो 1 H2O यहाँ पर, 1 H2O यहाँ पर, 1 H2O यहाँ पर और 1 H2O यहाँ पर। अब कितने बचे, तो ये कौन हो गया, ये 3d वाला हो गया, 1 2 3 4 और 5 सॉरी इसमें 3 और 1 4 हो गया। 3p के लिए है, किसके लिए, 3p के लिए, फिर 4d के लिए। तो 4d के लिए कितने बनेंगे, 5 बनेंगे इसमें, 1 2 3 4 और 1 ये 5 और इसमें बेटा कितने बने जाएंगे, 3 1 4 बन गए, कितने बचे, 2 बचे। तो 1 H2O यहाँ पर और 1 H2O यहाँ पर, तो कितने हो गए, 6 H2O हो गए। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ, ये 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और हमने कहा था जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, प्रबल अनुचुंबकीय होगा। तो बेटा ये क्या होगा, प्रबल
अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय। अब इसके बाद सेम जैसे इसको किया गया है वैसा ही बेटा क्या करेंगे, अब इसके लिए करेंगे। तो बेटा क्या लिखेंगे यहां पे, फी सी एन का होल सिक्स ऊपर क्या हो जाएगा थ्री निगेटिव। अब इसमें क्या हो जाएगा, एफी सी एन का होता है कितना माइनस वन, नीचे सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री। अब इसके लिए वो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थ्री पॉजिटिव के लिए यही आ जाएगा सेम जो ये लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, वन एच टू, टू एच टू, टू पी सिक्स, थ्री एच टू और थ्री पी सिक्स और फोर एच तो चला जाएगा, तो क्या बचेगा थ्री डी सिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से यही भरेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3D, फिर 4S, फिर 4P, इसके बाद 4D, तो 3D वाले पांच, एक दो तीन और एक चार और एक ये पांच, इसमें एक S का और इसमें तीन P के हो जाएंगे और इसमें D वाले पांच हो जाएंगे, एक दो तीन चार और एक और बना दो इसका पांच। इसके बाद बेटा जरा ध्यान दो, अब यहां पर क्या है, कितने भरने हैं मुझे, अब इसमें मुझे कितने भरने हैं 3D के लिए क्या है Fe3+, तो यहां पे कितने होने चाहिए फाइव। अब हम क्या करेंगे, पांच इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, एक दो तीन चार और एक पांच। लेकिन अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो Cn है ये इसकी अपेक्षा क्या है, प्रबल लिगेंड। Cn क्या है बेटा, प्रबल लिगेंड। तो ये प्रबल लिगेंड क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के खींच के थप्पड़ मारते हैं और इनको युग्मन करा देते हैं। तो देखो बेटा युग्मन कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटता है यहां पहुंचता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटता है और यहां पहुंच जाता है। तो जब इनमें युग्मन हो गया तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, एक, और जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें पांच। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो प्रबल अनुचुंबकीय, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक का है, बहुत कम है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुर्बल अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा, दुर्बल अनुचुंबकीय। और जब सीएन की भरने की बात आ गई तो सीएन 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 तीन हो गए, फिर सीएन चार हो गए, सीएन पांच हो गए और सीएन छह, ऐसे बात जाएगा बेटा, नोट कर लो उसको। हाँ बेटा जरा देखो ध्यान दो, कह रहा है एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया से क्रिया कर गन करने पर यौगिक भी देता है जो बीआरटू तथा केओएस से क्रिया कर अणुसूत C6H7N यौगिक C बनता है, कह रहा है ए बी सी क्या है। पहले बेटा जरा ध्यान दो कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि यह एक एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक का मतलब कोई बेंजीन संरचना वाला है। दूसरी बात यह कह रहा है कि अमोनिया से क्रिया करने पर एक यौगिक बी देता है, तो ये जो बी यौगिक है वो Br2 और KOH से क्रिया करके ऐसा यौगिक बना रहा है, तो ये यौगिक सी कोई एमीन हो सकती है, ये बेटा यौगिक कोई क्या हो सकता है, एमीन हो सकता है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुई है इसको क्या कहते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बेटा क्या कहते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब ये हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो देता है जो मतलब कौन, बी देता है, तो अर्थात बी क्या हो सकता है, बी एक कोई अम्ल एमाइड हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, अम्ल एमाइड हो सकता है। इसका मतलब अम्ल एमाइड किससे मिलकर बना है, अमोनिया से, यानी अमोनिया ने किससे क्रिया किया होगा, ए से, और वो ए यौगिक क्या हो सकता है, कोई एक ए यौगिक अम्ल हो सकता है। अम्ल में कौन सा, एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक बेटा आपका कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है बेंजेनोइक अम्ल सी डबल ओएच। अब ये क्या करता है जरा देखो, क्या कह रहा है, कह रहा है जल्दी अमोनिया से क्रिया करता है। अब अमोनिया का सूत्र आपका क्या होता है, NH3। अब आप ये अपने समझने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो H और यहाँ पे NH2, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका H और इसका ये OH ये यहाँ से कट जाएगा, तो बेटा क्या बनेगा, ये NH2 समूह तक पहुंच जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो ये बन गया CO NH2। अब देखो जरा ध्यान दो, पहले था आपका अम्ल,
अम्ल से क्या हुआ, OH हाइड्रोक्सी समूह हटा और क्या लगा, NH2 एमीन समूह लगा। तो अम्ल में एमीन लग गया तो क्या बनता है, एमाइड। तो अम्ल का एमाइड तो क्या होगा, ये कौन सा अम्ल था, बेंजोइक अम्ल। इसमें क्या लगा, अम्ल, तो क्या हुआ, बेंजामाइड। ये फार्मूला क्या है बेटा, ये है बेंजामाइड, क्या है बेंजामाइड। अब ये यौगिक आपका पहले समझो, ये यौगिक आपका था बेटा ए, ए ने क्या किया, अमोनिया से क्रिया किया, करने के बाद क्या बना है, ये यौगिक बनाया बी, और ये यौगिक बी क्या करता है, ये हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया देता है Br2KOH से क्रिया करके, और ये यौगिक सी जो बनाता है कौन सी होगी, ये एमीन होगी। अब इसके बाद इसमें क्या करो, H2A इधर रिलीज कर दो, इसके बाद क्या करो, ये बी यौगिक यहां पे उठा लाओ, और क्या कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल Br2 तथा KOH की उपस्थिति में आपको क्या कर देना है, गर्म कर देना है। तो बेटा इससे क्या होगा, इससे COA आपका बाहर हो जाएगा कार्बन मोनोमर्स में, तो बेटा इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा एमीन, और एमीन में ये है क्या, आपको बताया गया है कि जब बेंजीन की संरचना में NH2 लगता है तो क्या होती है, एनिलीन, क्या होती है एनिलीन, और ये यौगिक आपका क्या है, सी है। अब फिर से इसको बेटा एक बार समझो, कह रहा था एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया से क्रिया कर गर्म करते हैं तो यौगिक बी देता है, ये यौगिक बी ब्रोमीन तथा KOH से क्रिया कर अणुसूत्र वाला यौगिक ये कोई सी देता है, कह रहा था ABC क्या है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने इसको यहां से पकड़ा कि यौगिक सी ये है, ये का मतलब ये कोई एक एमीन, एमीन में क्या है, ये एनिलीन। अब ये किससे मिलके बनती है, ये कह रहा है Br2KOH से ये यौगिक कोई बिक्रिया करता है, बी का यानी इसका मतलब क्या, यदि कोई अम्लमाइड Br2 तथा KOH की उपस्थिति में क्रिया करे तो क्या होता है, वह एक एमीन का निर्माण करता है। तो यानी ये बी क्या हो सकता है, कोई अम्ल एमाइड हो सकता है, और ये अम्ल एमाइड किससे बना है, तो यानी कोई यौगिक ए है उसमें अमोनिया से क्रिया कराई गई है, इसका मतलब अम्ल की अमोनिया से क्रिया होगी तो क्या बनेगा, अम्ल एमाइड। ये अम्ल एमाइड क्या करेगा, हाफ अमाइन ब्रोमाइड क्रिया द्वारा क्या देता है, एमीन का निर्माण करता है। तो बेटा ये यौगिक सी क्या है, ये यौगिक सी है एनिलीन। आप नोट कर लें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।